नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 इसका प्रश्न नंबर 12 आज हम करने जा रहे हैं, जो कहता है सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर के। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है ये वाला, किसका राइट हैंड, बराबर के राइट साइड वाला, इसे लेंगे, इसे आपस में हल करेंगे और फिर लेफ्ट साइड के बराबर सिद्ध करेंगे। तो राइट साइड है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे हमें हल करना है। सबसे पहले ये हाफ को अभी आप अखीर तक कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ लिखना, ठीक है। ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे देखो क्या होगा, ये बड़ी वाली ब्रैकेट चाहिए आप ना भी डालो अभी। यहां क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बीच में है प्लस तो मैंने प्लस डाल दिया। a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसमें a है y b है z, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। उसके बाद प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहां खत्म हो गई, ठीक है बच्चों। अभी आप इसमें देखेंगे, इसमें कोई भी लाइक टर्म है, हैं। तो अभी हम इसको एक बार प्लस करके देखते हैं, देखो ध्यान से, 1/2 पहली ब्रैकेट अभी ऐसे ही रहेगी, इसका भी रोल आएगा थोड़ी देर में। यहां देखो क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए आराम से। ये देखो, यहां है एक्स स्क्वायर, यहां भी है एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे। लो अब देखो, यहां है एक्स स्क्वायर, यहां भी है एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर, ये रकम भी हो गई, ये रकम भी हो गई। यहां है वाई स्क्वायर और यहां भी है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहां है जेड स्क्वायर और यहां है जेड स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 2z स्क्वायर, ओके बेटा। बाकी क्या बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, तीनों रकमों को लिख दो, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है, ये ब्रैकेट यहां खत्म हो गई। ये समझ आया, उम्मीद करता हूं कि ये इतनी क्लोज मैंने दिखाया तो आपको समझ आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, 2 2 2 2 2 2 सारी ही 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते, क्यों कॉमन लेना पता है, ये 2 कॉमन लेकर ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक है, इसलिए कॉमन लेना है। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2 कॉमन ले लो, बाकी 2 हटा दो, बाकी सब ऐसे लिख दो, ये 2x स्क्वायर था, 2 बाहर चला गया, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर चला गया, बाकी रह गया वाई स्क्वायर प्लस 2 बाहर चला गया तो रह गया जेड स्क्वायर माइनस 2 बाहर चला गया तो रह गया एक्स वाई माइनस 2 बाहर चला गया तो रह गया वाई जेड माइनस 2 बाहर चला गया तो रह गया जेड एक्स, ठीक है बच्चों।
अब जैसे मैंने आपसे कहा था, ये टू से ये टू कट जाएगा, कट गया। अब अगले स्टेप में, अब आप फिर से एक बार ध्यान से देखना बच्चों जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको। यहां पर ये दो ब्रैकेट्स आपस में गुना हो रही हैं, तो पहले ये एक्स इस पूरी ब्रैकेट से गुना होगा, फिर ये वाई इस पूरी ब्रैकेट से गुना होगा, फिर ये जेड इस पूरी ब्रैकेट से गुना होगा। ये थोड़ा सा लंबा है, आराम से देखना, ध्यान से देखना, मैंने इसीलिए जूम किया हुआ ताकि आपको ध्यान से दिखता रहे। ध्यान से देखना बच्चों, एक्स को पहले एक्स स्क्वेयर से गुना किया, एक्स क्यूब, इसी एक्स को वाई स्क्वेयर से गुना किया प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, इसी एक्स को जेड से गुना किया प्लस एक्स जेड स्क्वेयर, माइनस माइनस एक्स को एक्स वाई से गुना किया तो एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स को वाई जेड से गुना किया तो माइनस एक्स वाई जेड, इसी एक्स को इस माइनस जेड एक्स से गुना किया तो माइनस जेड एक्स स्क्वेयर, उसको मैं लिखता हूं एक्स स्क्वेयर जेड। ये अभी हमने सिर्फ एक्स को गुना किया है इस पूरी ब्रैकेट से। लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, डरो मत, आप करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। अब वाई को गुना करना है इन सब से। वाई को एक्स स्क्वेयर से क्या तो आता है, वाई एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर वाला पहले लिख दो, तो ये बन गया प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, वाई वाई स्क्वेयर से गुना होगा तो वाई क्यूब बन जाएगा, वाई जब जेड स्क्वेयर से गुना होगा तो वाई जेड स्क्वेयर बन जाएगा, वाई जब माइनस एक्स वाई से गुना होगा तो बन जाएगा माइनस एक्स वाई गुना वाई हो जाएगा वाई स्क्वेयर, वाई जब माइनस वाई जेड से गुना होगा तो बन जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर जेड, वाई जब जेड एक्स से गुना होगा तो बन जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, जेड को आखिर में, एक्स को पहले वाई को बीच में। अब रह गया जेड, अब इस जेड को गुना करेंगे इन सब से। फिर से देखो, जेड को एक्स स्क्वेयर से गुना किया एक्स स्क्वेयर जेड, जेड को वाई स्क्वेयर से गुना किया वाई स्क्वेयर जेड, जेड को जेड स्क्वेयर से गुना किया जेड क्यूब, जेड को माइनस एक्स वाई से गुना किया माइनस एक्स वाई जेड, जेड को माइनस वाई जेड से गुना किया तो माइनस वाई जेड इंटू जेड हो गया जेड स्क्वेयर, तो माइनस वाई जेड स्क्वेयर, जेड को जेड एक्स से गुना किया तो माइनस एक्स जेड इंटू जेड हो गया जेड स्क्वेयर। ये आ गया, ये दो लाइनों में आया, कोई बात नहीं। अब हम इसको फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अलग कलर्स मैं यूज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि दो लाइनों के बीच का अंतर आपको पता चले। यह है एक्स क्यूब, और कोई भी रकम यहां एक्स क्यूब वाली नहीं है, ये क्यूब है लेकिन वाई का है, एक्स क्यूब वाली और कोई भी रकम नहीं है, तो ये एक्स क्यूब मैंने नीचे लिख दिया। उसके बाद एक्स वाई स्क्वेयर, अब आप ढूंढो एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई, ये एक जैसी नहीं है, ये एक्स वाई स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर वाई है, और ढूंढो एक्स वाई स्क्वेयर वाली, एक्स स्क्वेयर वाई है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है एक्स वाई स्क्वेयर। देखो एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस एक्स वाई स्क्वेयर से माइनस एक्स वाई स्क्वेयर कट गया। ठीक है बच्चों, आगे है एक्स जेड स्क्वेयर प्लस वाला, एक्स जेड स्क्वेयर ढूंढना है, एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स ये है एक्स स्क्वेयर जेड, ये नहीं चाहिए, कई ऐसे ही काट देते हैं, ऐसे नहीं लेता, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वेयर है, ये नहीं चाहिए हमें, हमें एक्स जेड स्क्वेयर चाहिए। तो ये देखो, ये है आखिर में एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स जेड स्क्वेयर, ये माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, ये प्लस एक्स जेड स्क्वेयर से कट गया। एक एक करके ध्यान से काटो बेटे, एक्स स्क्वेयर वाई, देखो एक्स स्क्वेयर वाई ये रहा, ये माइनस एक्स स्क्वेयर वाई से प्लस एक्स स्क्वेयर वाई कट गया। उसके बाद है माइनस एक्स वाई जेड, एक रकम, माइनस एक्स वाई जेड दो, ये आपस में नहीं कट सकते क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और एक ये एक्स वाई जेड यहां भी है, तो माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, ये हो गया माइनस तीन एक्स वाई जेड। ठीक है,
एक दो तीन, उसके बाद है एक्स स्क्वेयर जेड, ढूंढो एक्स स्क्वेयर जेड, एक्स स्क्वेयर जेड, एक्स स्क्वेयर जेड, ये रहा एक्स स्क्वेयर जेड प्लस का, एक्स स्क्वेयर जेड माइनस का, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर जेड प्लस एक्स स्क्वेयर जेड से कट गया, ठीक है। आगे चलो, ये कट चुका है प्लस वाई क्यूब, और कोई भी रकम वाई क्यूब वाली नहीं है, तो लिख दो साथ में प्लस वाई क्यूब। आगे है वाई जेड स्क्वेयर, ये हो चुका है, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये हो चुका है, इसको भी अंडरलाइन कर दिया मैंने, वाई जेड स्क्वेयर। आप देखना जो भी मैं करता जा रहा हूं ना उसको अंडरलाइन करता जा रहा हूं, ताकि वो दोबारा दोबारा ना मैं गिनता रहूं। आगे है वाई जेड स्क्वेयर प्लस वाई जेड स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर जेड, ये एक जैसे है नहीं है, ये वाई है, ये वाई स्क्वेयर है, ये नहीं है एक जैसे, ये भी वाई स्क्वेयर है, ये भी नहीं है, ये है देखो वाई जेड स्क्वेयर, वाई जेड स्क्वेयर प्लस का माइनस का, ये वाई जेड स्क्वेयर से ये वाई जेड स्क्वेयर कट जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ, ये आ गया माइनस वाई स्क्वेयर जेड, ये आ गया प्लस वाई स्क्वेयर जेड, माइनस वाई स्क्वेयर जेड प्लस वाई स्क्वेयर जेड, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बार, ये कट गया, ये हो चुका, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो चुका तीन वाई जेड, तीन एक्स वाई जेड, ये हो चुका, ये कट गया, ये हमने लिख लिया वाई क्यूब, ये कट गया, ये कट गया, कट गया, ये हो चुका, ये कट गया, ये कट गया, आगे रह गया प्लस जेड क्यूब, तो ये भी हो गया, ये एक्स वाई जेड हम कर चुके माइनस तीन एक्स वाई जेड में, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका मतलब हमारे पास ये बचा एक्स क्यूब और कोई रकम नहीं है, वाई क्यूब और कोई रकम नहीं है, जेड क्यूब और कोई रकम नहीं है, एक्स वाई जेड वाली और कोई रकम नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस तीन एक्स वाई जेड, और आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक बार आपका क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस तीन एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस तीन एक्स वाई जेड, इसका मतलब हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया था, ये राइट हैंड साइड थी, राइट साइड को लिया था पूरा, धीरे 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 सॉल्व करने के बाद इसको लेफ्ट साइड के बराबर सिद्ध कर दिया, तो यही हमें सत्यापित करना था, हम लिख देंगे अतः सत्यापित हुआ, ठीक है बच्चों। लंबा वीडियो है, कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, कोई बात नहीं, आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने किया, हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक आया है, तो यही आपको करना है, जितना मर्जी लंबा सम हो कोई बात नहीं, आपने उसको ध्यान से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते रहना, वो क्वेश्चन आपका जरूर हल होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, देखो कितनी मेहनत से इतने लंबे लंबे वीडियोस हम बना रहे हैं, तो अगर ये वीडियो बच्चे आपको समझ आते हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया करो, आपके लाइक करने से हमें ऐसे बार बार मेहनत करने का हौसला मिलता रहता है। धन्यवाद।